जैसे फर्स्ट फेज के हम कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स का डाटा रिलीज किया था, आज हम सेकंड फेज में जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट करने जा रहे हैं श्रीनगर की सीट में और उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन 24 कैंडिडेट्स का डाटा हमने कंपाइल करके आज पब्लिक डोमेन में लाया ताकि पब्लिक को पता चल सके कि वो किस कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स क्या हैं। इतना ही हमारा मकसद है। 24 कैंडिडेट्स हैं, 24 12 जम्मू जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं और 12 ही श्रीनगर से कर रहे हैं। इनमें इस बार इनमें से 4 लोग हैं ऐसे हमारे कैंडिडेट्स, 2 जम्मू से और 2 कश्मीर से, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस उन्होंने अपने सेल्फ डोंट डिक्लेयर स्वॉर्न एफिडेविट था उसमें दिया हुआ है, जिसमें हर्षदेव जी हैं जिनके खिलाफ 4 केसेस, 1, 2, 3 केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। उसके बाद मोहम्मद अयूब जी जो उधमपुर से हैं उनके खिलाफ 1 केस क्रिमिनल केस पेंडिंग है। फारुकुद्दौला साहब के खिलाफ सेक्शन IPC के तहत सेक्शन 120B, 406 और 409 के तहत केसेस उनके खिलाफ केस पेंडिंग है। इसके अलावा शेख जहांगीर जो श्रीनगर से कंटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी 1 केस कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा और जो इंटरेस्टिंग बात है कुछ आपके सामने, जम्मू कश्मीर की दोनों 24 में से सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट जो है वो इरफान अंसारी जी हैं, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। उनके जो असेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं 66 करोड़, और जो उन्होंने लाइबिलिटी अपनी दी है वो उन्होंने 6 करोड़ रुपया दिया है। सेकंड रिचेस्ट कैंडिडेट जो हैं स्टेट में से विक्रमादित्य जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके जो असेट्स हैं वो 36 करोड़ हैं और उनकी लाइबिलिटी सिर्फ 48 लाख है। फारुक अब्दुल्ला साहब ने जो अपने असेट्स 2014 में डिक्लेयर किए थे वो 13 करोड़ थे, इस बार उनके असेट्स कम होकर 12 करोड़ रह गए हैं और लाइबिलिटी उनकी निल है।